कोरोना महामारी के दौर में परीक्षा के निर्णय को गलत बताते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी तहसीलदार को सौंपते हुए कहा कि महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए हमारी परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए अथवा जनरल प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि एक कागज के टुकड़े के लिए वे अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। आज SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के चलते जनरल प्रमोशन के बारे में बच्चों ने बढ़वा कॉलेज में मांग की गई है कि उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाए, ताकि जो अगर एग्ज़ाम देने आएंगे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अलग अलग राज्य से भी आते हैं तो वो किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, इसलिए और उनको क्वारंटाइन रखने पर उन्हें पूरक परीक्षा देनी पड़ेगी। इस तरीके से पेपर में ये न्यूज़ आ रही है, तो क्या किस तरीके से एग्ज़ाम दी जाएगी इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं है, और फिर समय भी जा रहा है, इसलिए हम यही ज्ञापन सौंपा जाए और निवेदन है कि जल्दी से जनरल प्रमोशन दिया जाए। अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं देने के निर्णय को गलत बताते हुए जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बड़वाह के विद्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया, जिन्होंने अपनी मांगों के संबंध में डिप्टी कलेक्टर प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान सहित महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंगला ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते वक्त कृष्णा सिटोले, प्रदीप चौबे, नाना दवाड़े, विजय चौधरी, नारायण तटवारे, शिवानी केवट, डिंपल यादव सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। कॉलेज के छात्रों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि जनरल प्रमोशन के बारे में बताया गया है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कहना है कि जून जुलाई में कैसे ज़्यादा बढ़ेंगे कोरोना महामारी के चलते, तो अगर कभी जून जुलाई में पेपर होता है, हमारे एग्ज़ाम होती है, तो हम इस विषय में कैसे परीक्षा दे पाएंगे, अभी उस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोरोना वायरस हो जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। इस उपलक्ष्य में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया। दरअसल 29 जून से 31 जुलाई तक फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के निर्णय की खबर से विद्यार्थियों में आक्रोश है। बड़वाह से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।